तो अभी भैरव टेंपल जी की ट्रैकिंग मैं कर रहा हूँ। ऊपर भैरव जी का टेंपल है, जस्ट 500 मीटर है अब रह गया। और मेरे नीचे आप केदारनाथ देख सकते हैं, पूरा लैंडस्केप व्यू है। तो थोड़ी चढ़ाई तो है, स्ट्रिक्ट है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऐसे है नीचे कैंपिंग केदारनाथ की। और मेरा फ्रेंड अभी आ रहा है, वो पीछे है। तो ये लेवल है, ये कंस्ट्रक्ट होगा कुछ टाइम बाद। और केदारनाथ टेम्पल बोरा, तो अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। बम बम आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं केदारनाथ को पूरा टोटली एक्सप्लोर कर चुका हूँ, और जो भी एक्सप्लोर है वो गोप्रो में रिकॉर्ड है मेरे, तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट को, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड है। हेलीपैड सेवा काफ़ी जोर शोर से चल रही है, रैपिड फायर है, हर दो दो मिनट में हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। अराउंड 1000 प्लस श्रद्धालु का हेलीकॉप्टर ले ला पा रहा है। अभी ऊपर चलते हैं, दर्शन करूँ। अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे ट्रैकिंग करने का। लोग शॉर्टकट भी मार रहे हैं, तो थोड़ा रिस्की है, शॉर्टकट यूज़ ना करें, जो रूट है, ट्रैक है, उसी ट्रैक को फॉलो करें। जय भोलेनाथ, जय केदार, जय भैरव मंदिर, जय भैरव बाबा। जो लोकल उत्तराखंड के हैं उनको तो पता ही है कि एंड में आना चाहिए जब ट्रैवल बंद हो रहा हो, तो उस टाइम अच्छा रहता है। और जो आउट ऑफ स्टेट हैं तो उस टाइम वो लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो पहला दिन था, भीड़ बहुत थी। जो यात्रा है, जो फाटा है ना, फाटा जो हेलीपैड है, वहाँ से लोग डायरेक्ट चढ़ के मतलब उड़ के आ रहे हैं फ्लाई करके बाय थ्रू हेलीकॉप्टर। तो वो लोग पहले एडवांस में पहुंच जा रहे हैं, और उनकी वीआईपी एंट्री है। तो हमारी वीआईपी एंट्री जो मेरी थी, मेरे फ्रेंड की थी, हमारी वीआईपी एंट्री बाय लोकल और बाकी आईटीबीपी पुलिस फोर्स की वजह से था। तो उस वजह से हमें वीआईपी एंट्री मिल गई, और लास्ट टाइम भी मिल गई थी। तो अपने डिफेंसिव पर्सन यहाँ पर रहते हैं, तो उनके वजह से तो हमारी एंट्री हो गई वीआईपी वाली। तो बस यही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी ट्रैकेबल है। बस ज़्यादा नहीं है, 300 मीटर रह गया भैरव मंदिर। तो मैं ऊपर ट्रैकिंग करते करते आपसे बात कर लेता हूँ। तो फाटा एक है, एक दो दिन स्टेशन है। जैसे फाटा है ना, फाटा आप आए हेलीपैड की सर्विस को यूज़ करके डायरेक्ट केदारनाथ आप लैंड करें, और उनके वीआईपी एंट्री भी हो जाएगी। एक तो वो है, दूसरा दो तीन और हैं स्टेशन फाटा के साथ, तो वहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, और किराया वेरी करता रहेगा डिस्टेंस टू डिस्टेंस। ओके, और बाकी आप घोड़ा पालकी कर सकते हैं, पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से आएँ, खुद चल के आएँ।
बाकी ग्लेशियर की हवा बहुत ठंडी चल रही है, धूप में भी तो लग नहीं रहा है इतना, स्वेटिंग सा फेस नहीं हो रहा है, स्वेट की कोई वो नहीं है यहाँ पे गुंजाइश। अब ज़्यादा नहीं, 200 मीटर रह गया बाबा भैरव। स्पीड में कहा मेरे पीछे आप देख, मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये गवर्नमेंट अप्रूवल कंस्ट्रक्शन है और बाय गवर्नमेंट अप्रूव, बाय गवर्नमेंट द्वारा है, थ्रू गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन। तो अभी इसे बनने में 1-2 साल लगेगा, गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा इसको बनाने की कोशिश कर रही है। इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ के लोकल लोग को वह एम्प्लॉयमेंट काफ़ी इफेक्ट हो जाएगा, जो सही बात नहीं है। अगर डेवलपमेंट हो तो सभी का हो, मतलब होता है ना व्यापार, सेलर और बायर दोनों को प्रॉफिट हो, व्यापार दोनों साइड का होता है तो दोनों साइड प्रॉफिट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट अपना तो देख रही है पर यहाँ के लोकल लोगों का नहीं देख रही है। ये वैष्णो देवी जैसा है ना, वैसी गवर्नमेंट इसको ऑक्यूपाई करना चाह रही है, पूरा वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका गवर्नमेंट बनाना चाह रही है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सही है कि गलत है, उत्तराखंड वाले तो स्पेशली कमेंट करके बता ही देना कि ये चीज़ें सही हो रही है या नहीं हो रही है। भैरव टेम्पल आने ही वाला है, चढ़ता हूँ। अकेले में थकान ज़्यादा लगती है। हेलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तू तो मैं भैरव टेम्पल पहुँच चुका हूँ, मेरे सामने ही भैरव टेम्पल है। सबसे नीचे कितनी जल्दी पहुँचेगा? भैरव टेम्पल ये रहा, सही है, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। अच्छा है, मोबाइल कहाँ गया? तेरे को दे, मेरे को कहाँ दिया? ऊपर खड़ो है, तो बेल बजा दी है तो स्वागत हो चुका है भैरव टेम्पल। शूज को आउट करते हैं, तो शूज आउट कर लिए हैं। ऊपर का मैं आपको देख, लोग ध्यान कर रहे हैं ऊपर, तो भैरव टेम्पल ये रहा।
जस्ट टॉप में है, केदारनाथ से जस्ट 1 किलोमीटर ऊपर। भाई अभी करीब ही होकर आने वाला है, तेरे को चलना है। आमचा ग्रुपचा घेणे तो अपने ITBP फोर्सेस यहाँ पे लगी हुई है, तो इनकी पोस्टिंग यही है अभी केदारनाथ की, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है। ये आपकी पोस्टिंग है यहाँ पे कौन से बटालियन से? तो 8 बटालियन से हैं यहाँ पे। कब तक रहेगी आपकी पोस्टिंग? अच्छा, तो ये यहाँ पे 8 बटालियन की पोस्टिंग से हैं ITBP। तो यूट्यूब ब्लॉगर, यस। तो ऊपर वाले अभी टॉप में जाएंगे, ऊपर टॉप और टॉप में जाना है अभी। तो ये आप जैसे देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये वाला जो टॉप है, इस टॉप में भी अभी जाना है, अभी ऊपर भी जाएंगे। पिछले नेक्स्ट टाइम भी ऊपर गया था मैं, तो ऊपर आप कैंपिंग कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट टाइम मैं खुद की कैंपिंग करने की सोच रहा हूँ, तो उसको आपको अर्ली पहुँचना पड़ेगा, आप नीचे स्टक ना हो। आपको ऊपर आके कैंपिंग करनी है, फिर नीचे आके दर्शन करने हैं। तो अभी फ़िलहाल एकदम से इतना राइड, अगर वनडे का राइड कर रहे हो तो वनडे में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, थकान बहुत लगती है। तो मैं आपको अभी और दिखाता हूँ। काफ़ी लोग आए हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, तो अभी इसके बाद वीडियो शूट करने के बाद मैं अपना पूजा अर्चना करूँगा यहाँ पे। तो थोड़ा शांति से मेरे को भी बैठना है यहाँ पे, तो आप लोग भी बैठे रहना। जब आओ यहाँ पे तो आप अवश्य यहाँ पे 30 मिनट तक तो अपना टाइम एटलीस्ट देना ही। जब इतने अर्गस, इतने हाई एल्टीट्यूड की जर्नी आप करोगे, तो मेरे हिसाब से आपको एक दिन तो एटलीस्ट यहाँ पे रुकना ही चाहिए दर्शन के बाद। तो ये वैसे तो फ्रूटफुल है, आप श्रद्धा भाव जाओगे, स्टे करोगे तो काफ़ी फ्रूटफुल होगा। पर जब इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है यहाँ पे कैंपिंग लगाने की, ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, नीचे हाँ थोड़ा बहुत रोक टोक है गवर्नमेंट द्वारा, ऊपर आप ओपनली अपना टेंट लगा सकते हैं और अपना एक दिन का स्टे यहाँ पे ले सकते हैं। तो बने रहिए माइल्स ऑन स्टेप्स के साथ। जय हिंद, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।